आपके साथ भी हो सकता है। तशरीफ लाएं, चलें, आएं। तशरीफ लाइए, आइए, आइए, तशरीफ लाइए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो बाबा, मुबारक हो, खुश रहो हमेशा, खुश रहो। शुक्रिया दखान साहब, मुबारक हो। नेका और अशकानो मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, ये मेरी बेटी की तरह है, शायद अपने बेटे से ज्यादा प्यारी है। नेका मेरे पास अमानत है, अपने भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, उसका बहुत ख्याल रखना। आप मुतमईन रहें, उसे मालूम है कि वो कितनी अहम है मेरे लिए, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये हमारे बेटे से क्या कह रहे हो, अभी से मुट्ठी में करने की फिक्र में हो? अरे भाई, जरा बेचारे को मौका तो दो, काम धंधा चल जाए, तुम्हारी भतीजी को रुख्सत करा के अपने घर ले जाए, उसके बाद उसे डरा धमकाना। ये ले मिठाई। क्या करूं भाई, बेटी ब्याहना कोई आसान काम नहीं है। मुबारक हो बेटी। अरे दखान साहब, ये क्या बात सुनाई, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे हमारा बेटा किसी लायक ही नहीं। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, बस मैं नेका के मामले में कुछ ज्यादा ही हसास हूं। इंशाल्लाह खुश रहेंगे, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोनों को अल्लाह ताला। ये लीजिए मुंह मीठा करिए। शुक्रिया, मुबारक हो आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। इजाजत है? जी हाँ, आइए। उस लड़के ने फिर अपना काम तुम्हें सौंप दिया? इस लड़के का नाम है चचा सियामक, और फिर उसने ये काम मुझे नहीं दिया, खुद मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। आज उसका इंटरव्यू है चचा, दुआ कीजिए कि उसे नौकरी मिल जाए। अगर उसे नौकरी मिल गई तो आप जल्दी मुझसे छुटकारा पा जाएंगे। ये कैसी बात करती हो बेटी, इस लड़के के सामने कहीं ऐसी वैसी बात न कर देना, सोचेगा कि वो कोई बहुत बड़ा तीसमार खान है। तुम अगर 100 बरस भी इस घर में रहोगी ना, फिर भी सर आंखों पर रहोगी बेटी। चाचा, आप सियामक से इतना चिढ़ते क्यों हैं? बेचारे ने शादी की है, कुछ जुर्म तो नहीं किया? आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हिमायत करनी चाहिए, आप तो बस उसका हौसला तोड़ते हैं। मैं जो उसकी मदद नहीं करता, वो इसलिए ताकि खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। रातों रात उसे बड़ा आदमी नहीं बनाना चाहता, वरना सोचेगा सब उसकी वजह से हुआ है। बेटी, तुम बस एक बार कह दो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, लेकिन इस तरह से उसका दिमाग खराब हो जाएगा। कल को अगर कोई मुसीबत आएगी तो तुम इनसे मदद की उम्मीद रखेगा? आप भी हर चीज को इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं। मेरी बीवी मेरे काम में कितनी भी माहिर हो जाए, मैं उसे अपनी जगह पर काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। उसे अगर नौकरी चाहिए तो खुद मेहनत करे, यही हालत रही तो 2 दिनों बाद घर में बैठ जाएगा और तुमसे कहेगा कि उसकी जगह नौकरी करो। उसे ये समझाओ कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे नौकरी की जरूरत है। चाचा जान, इंसान सिर्फ जरूरत के लिए काम नहीं करता, काम करने से इंसान में जिंदा होने का एहसास पैदा होता है। ये सब बातें उसी लड़के ने सिखाई हैं ना तुम्हें? मैं भी बिला वजह तुमसे इस मौजू पर बात कर रहा हूं, तुम तो अपना काम करोगी ही। ठीक है बेटी,
जैसा तुम मुनासिब समझो। मैं अशकान को स्कूल पहुंचा कर आता हूं, देर हो रही है। वो तो खुद चाहता ही है कि स्कूल न जाना पड़े। चचा जान। हाँ बेटी। चाय के लिए शुक्रिया। अरे बेटी ये क्या कह रही हो? नसरीन चची, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं अभी पहुँच रही हूँ, बस आ गई। खुदा हाफिज। हेलो, सयामत के इंटरव्यू पर गई है। हाँ भाई, इत्मीनान रखो। वो लड़का तो नहीं आया था नैली ने? खुद ही गई। वेरी गुड, ठीक है, अंदर आ जाइए। मेहरबानी करके यहां दस्तखत कर दीजिए। ठीक है ठीक है। नहीं कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या हुआ? एक नजर भी नहीं देखा, सिर्फ दस्तखत कर दिया। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं नक्शा भूल जाऊं। हाँ कभी कभी भूल जाती हूँ कि कब जो हाथ में था उसे कहाँ रखा है या कहाँ है, लेकिन अब इतनी भी बदहवास नहीं हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था, बस सोचा शायद नक्शा लाना भूल गई हो। यकीन करो, सुबह तक जागती रही, नक्शा ठीक कर रही थी मैं। ये वही नक्शा है? मैंने इसे भी दूसरी चीजों के साथ उठा लिया था। मैं घर जा रहा हूं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अपना ख्याल रखना। अकेली बैठी हो बेटी? मैं जानती हूँ नसीन चाची ने आपको सब कुछ बता दिया है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ चाचा। फिक्रमंद क्यों हो? कौन सी बड़ी बात हो गई? बस एक कागज का टुकड़ा साथ ले जाना भूल गई, बस। इसी कागज के एक टुकड़े की वजह से श्यामक की पसंदीदा नौकरी हाथ से चली गई। मेरी बदहवासी की वजह से मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आजकल कुछ ऐसे काम हो जाते हैं मुझसे जिनकी मुझे समझ नहीं आती। जबरदस्ती खुद को पागल मत समझो, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं। उस लड़के की नौकरी लगवा दूंगा तो आज की बात भी भूल जाओगी। बात सिर्फ श्यामक की नहीं है। मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। अब मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना।
बहुत जबरदस्त हैं। शाबाश। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा हूं, तुमने बहुत मेहनत की है। जब दहकान साहब ने मुझसे कहा कि अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई काम निकालूं, तो मैंने सोचा था कि मुझे एक ऐसे नौजवान की मदद करनी है जो मेरे दोस्त का दामाद है। इसलिए आप इंटरव्यू से पहले ही महमूद साहब की वजह से नौकरी पर रख लिए गए थे। लेकिन अब मैं ऐसे नौजवान को नौकरी पर रख रहा हूं जो अच्छी सिफारिश के साथ साथ बासलाहियत भी है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। मुझे बहुत खुशी है कि एक बासलाहियत नौजवान को मैंने नौकरी पर रखा है। खुदा का शुक्र है कि आपको मेरा काम पसंद आया। ये हमारे कासमी साहब ने उम्र गुजारी है इसी काम में। अगर ये कुछ कहते हैं तो अपने तजर्बे की वजह से कहते हैं। जब ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा काम बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है अच्छा है, यकीन करो। जी शुक्रिया, आप लोग का लुत्फ है। ये सयामक साहब हमारी भतीजी के क्लास फेलो थे। ये जो काम आप देख रहे हैं दोनों की मेहनतों का नतीजा है। आम तौर पर सयामक साहब नक्शा बनाते हैं और नेकी उसे दुरुस्त करती है। कभी कभी नेका खुद ही डिज़ाइन करती है, लेकिन सयामक साहब के नाम से। ये जो कहते हैं ना, मुश्तरका जिंदगी में ताउन, इसीलिए। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि नीका भी काम करती हैं, वरना अपनी कंपनी के कामों में उनसे मदद नहीं लेता। नहीं, नीका को नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, न ही पैसे की। वो तो तफरी में ये काम करती है ना श्यामक साहब? जी, नेका हमेशा एक अच्छे पार्टनर और दोस्त की तरह मेरे काम आती है। बड़ी अच्छी बात है। हकीकत तो यह है कि आपके दामाद के साथ काम करके मुझे खुशी होगी। हम अपनी कंपनी में आपकी आमद का खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया चाचा जान, यहाँ बहुत अच्छा है। हाँ वाकई बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगरचे ये शौहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं अपनी भतीजी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया चाचा जान, मुझे मालूम था कि आप हमारी मदद करेंगे। श्यामक आओ किचन देख लेते हैं। शुक्रिया चाचा जान, किचन बहुत बड़ा है। उनका कुछ मतलब नहीं था, बहुत साफ दिल है, बस ज्यादा ही मेरी फिक्र करते हैं। मैं जब रिश्ता लेकर आया था तो तुम्हें बता दिया था कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा था घर नहीं खरीद सकता, लेकिन किराए पर ले सकता हूँ। अब अगर तुम्हें चाचा को पसंद नहीं कि तुम किराए के घर में रहो तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने झूठ बोला था उनसे? श्यामा, खुदा के लिए, तुम भी जानते हो कि ये कोई अहम बात नहीं है मेरे लिए। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। पहले मैं ले गया था, अब तुम्हारी बारी है। मुझसे बात बिगड़ जाएगी अगर मुझसे पूछा किस लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? अपने पे कंट्रोल रखो। अगर जवाब ना बन सके तो कह देना कि तुली आके जवाब देगा, लेकिन कोशिश करना खुद ही हल कर लो। अगर अभी नहीं गए तो टेलीफोन पर बात खत्म हो जाएगी और तुम्ही को जवाब देना पड़ेगा। जल्दी करो, जाओ। पंद्रह सोने के सिक्के? सिक्के किस लिए? यूरोपी ताजरों को शुक्रिया के लिए, उन्हें तोहफे में दिए थे। अगर मजीद वजाहत चाहिए तो तुलुई से कहूं कि वो आपको बता दे, उसे ज्यादा पता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो पिस्ता जो आपने बाहर भेजना था, उसके बारे में कोई हुक्म? बाद में उसी से बात करेंगे। जी बेहतर, खुदा हाफिज। हाँ तो फिर क्या हुआ? एक मिनट जरा होल्ड करो। महमूदी जी,
तुलुई से बात कर लो और पिस्ते का मामला भी पूरा कर लो। जी अच्छा। हेलो, तो क्या निका उनकी नौकरानी है जो अपने बच्चे को उसके पास छोड़ गई? ये लड़का ही हमारे लिए बोझ बना हुआ था, अब उसकी माँ बहन भी मुसल्लत हो गई हैं। अच्छा, किस पार्क में गई हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। बड़ा अच्छा हुआ जो आप भी तशरीफ ले आए। देखिए आपकी भतीजी ने क्या गुल खिलाया है। मैडम जरा अपने ऊपर काबू रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? उन्होंने हमारे 4 महीने के बच्चे को पार्क में ले जाके पता नहीं क्या किया, और आप कह रहे हैं कि मैं सब्र करूं? अम्मी, खुदा के लिए अम्मी। क्या ये अम्मी अम्मी लगा रखा है? पागल दीवानी लड़की को हमारे गले डाल दिया और शुक्रिया की भी तलबकार है? मैडम जरा ख्याल रखें कि आप क्या कह रही हैं, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। पछताऊंगी? हरगिज नहीं, जो कह रही हूँ उस पर कभी नहीं पछताऊंगी। पछतावा तो ये हो रहा है कि जो पहले कहना चाहिए था वो क्यों नहीं कहा। ये पी लो, अच्छा है तुम्हारे लिए। नहीं हो सकता। ये लो बेटी शरबत पी लो, थोड़ा सा पी लो बेटे। नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो पी लो। मेरी फरजाना कहाँ होगी, मेरी बेटी कहाँ होगी? जरूर भूखी होगी, रो रही होगी। वहीद से कैसे कहूंगी कि हमारी बच्ची गायब हो गई? मिल जाएगी बेटी, ये लो पी लो। निका बेटी बताओ क्या हुआ था? क्या बताऊं चाचा, उसके लिए गुब्बारा खरीदा था मैं। हाँ। उसका धागा बच्चे की गाड़ी से बांध दिया, बस एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ देखा, पलट के देखा तो वो गायब थी। मेरे बच्चे को अगवा कर लिया। उसे भीख मंगवाएंगे। खुदा ना करे। हौसला रखो बेटी, इतनी परेशान ना हो, इंशाल्लाह बच्ची मिल जाएगी। मिल जाएगी बेटी, रो मत। थाने से फोन है। मुझे दो। जी जी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। वो ठीक तो है? बहुत बहुत शुक्रिया, बस अभी पहुंच रहे। फरजाना मिल गई है? खुदा का शुक्र। शुक्र है खुदा का। श्यामक साहब, अपने घर वालों से कहें कि जो वाकया हुआ और जो कुछ निका को उन्होंने कहा उसके लिए माफी मांगे। माफ कीजिएगा दहकान साहब, मुझे माफी मांगना चाहिए। और क्या, कहीं तुम्हें यह उम्मीद तो नहीं है कि तुम्हारी माँ ने नीका को जो पागल दीवानी कहा है उस पर हम कहें आपने सही कहा है, माफ कर दें? आपकी जो इज्जत मेरे दिल में है और नीका से जो मोहब्बत है, उसकी वजह से मैंने अब तक आपके बहुत से ताने बर्दाश्त किए, लेकिन मेरे ख्याल में अब बहुत हो चुका। अम्मी कुछ गलत भी नहीं कह रही थी, नीका बदहवास रहती है। अभी पिछले हफ्ते हम साथ में डिनर के लिए जा रहे थे, 1.5 घंटा तलाश करने के बाद वो रिंग मिली। याद नहीं आ रहा था उसे कहाँ रखा है, आखिरकार जाके वो गमले में मिली। आज जो वो आपने देखा ही, मेरे भांजे का अगवा नहीं हुआ था, वो उसी हालत में पार्क में मिली। गुब्बारा भी उसी की गाड़ी में बंधा हुआ था। बात यह है कि आपकी भतीजी को याद ही नहीं रहा कि बच्ची कहाँ छोड़ी थी, तो मेरे ख्याल में माफ़ी आपको मांगनी चाहिए। खुदा हाफिज़।
रो क्यों रही हो बेटी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। चाचा जान यकीन करें, मैंने सब कुछ सच कहा था। मुझे यकीन है बेटी, मुझे यकीन है। इनके मेहर का क्या होगा? माफ कर देगी जनाब, मेहर की सारी रकम उसके सर के एक बाल का सदका है। खुदा ने उसे इतना दिया है कि मेहर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप माफ करिए मोहतरमा। हाँ माफ कर रही हूँ। मेरे दादा की बाजार में एक दुकान थी, ड्राई फ्रूट का कारोबार था। उनके इंतकाल के बाद दुकान उनके दोनों बेटों को मिली। मेरे अब्बा ने चचा का हिस्सा खरीद लिया। बाद में मैंने सुना कि मेरे चचा ने खुद अपनी मर्जी से अपना हिस्सा मेरे अब्बा को बेचा था। वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे जो कामयाब नहीं हो पाया। मैं 7 महीने की थी जब मेरे वालिदैन एक एक्सीडेंट में मारे गए। उस वक्त तक चाचा की शादी नहीं हुई थी, वो ही मेरे सरपरस्त बने। मुझे अपने अब्बा बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन यकीन है अगर वो जिंदा होते तो चाचा से ज्यादा ना चाहते मुझे। चाचा ने मुझे बाप की तरह पाला है। मेरी चची नसरीन भी एक माँ की तरह है मेरे लिए। बचपन में मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी जो मैं ये सोचती कि इसकी आरजू दिल में दबी रह गई है या कोई अजियत महसूस की हो। सारी प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुई जब मैंने श्यामक से मंगनी की। श्यामक अच्छा लड़का था, लेकिन बजाहिर हमारे राबिते की प्रॉब्लम मैं थी। जब से श्यामक के साथ मेरी मंगनी हुई, इसके बाद से अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगे। शुरू में मैंने अहमियत नहीं दी। मिसाल के तौर पर कभी मुझे अपना टूथब्रश कपड़ों में मिलता या भूलकर गंदे कपड़े साफ कपड़ों के साथ रख देती थी मैं। लेकिन फिर मसला संजीदा होता चला गया। मेज पर चाय का कप रखा था और मुझे याद नहीं आ रहा था कि इसे कौन लाया है, यानी अपने लिए चाय लाकर खुद ही मैं भूल गई थी। असली तौर पर आपकी भतीजी के बारे में जिस बीमारी का शक है और जो कुछ वो करती है और फिर भूल जाती है, उसे हम डॉक्टरों की ज़ुबान में डुअल या मल्टीपल पर्सनालिटी कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसमें एक पर्सनालिटी जो काम करती है, दूसरी को उसके बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता। और ये बीमारी आम तौर पर उस वक्त पैदा होती है जब आदमी को अपनी पोजिशन ख़तरे में महसूस हो। आपकी भतीजी ने जो बातें बताई हैं, जैसे बेड पर उस गुड़िया का मिलना जिससे वो खेलती थी, या एल्बम का गायब हो जाना और कहीं और अचानक मिल जाना वगैरह, इन सब बातों के पेश नज़र मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में नए शख्स की आमद और जो तब्दीली कबूल करना पड़ी, उसकी वजह से वो इस्तेफाई हालत में मुब्तला हो गई। तो निका मल्टीपल पर्सनालिटी रखती है। अलामतों से तो यही लगता है कि उन्हें यह बीमारी है। मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी भतीजी अपने बचपन की ज़िंदगी से बहुत मुतमईन है और यही बात मुझे तसब्ज़ुब में डाल रही है कि आपकी भतीजी ने जो बातें बताई हैं उनसे मेरी यही समझ में आता है कि उन्हें बचपन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो फिर ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है? फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकती। इस वक्त यकीन से मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है और जो तलाक का मामला पेश आया है उसकी वजह से वो टेंशन का शिकार है। फिलहाल मैं यही चाहूँगी कि उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ एडमिट कर दिया जाए। इस तरह से उन्हें सुकून भी हासिल होगा और 24 घंटे हमारी उन पर नज़र भी रहेगी। उसके बाद ही यकीन से कुछ कह सकते हैं।
खुदा के लिए आप जो भी उसकी सेहत के लिए मुनासिब समझें करें। डॉक्टर साहब, अनिका की सेहत मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। आ जाओ। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम सलाम। गनी आ गया, आपकी तबीयत तो ठीक है जनाब? कोई बात नहीं, बस सर में ज़रा दर्द है। ये भतीजी के मामले ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं दोबारा आ जाऊँ आपके पास? नहीं नहीं, बताओ। ये माल लादने का और सामान ले जाने का कुछ मामला है। कोई जरूरत नहीं है, बताओ दस्तखत कहाँ करने हैं? यहाँ पर और यहाँ पर। बस यही? जी सर, हो गया। हाँ, मुझसे कुछ काम तो नहीं है आपको? थोलोई, काम पर इतनी तवज्जो के लिए शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। शुक्रिया जनाब, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इजाज़त चाहते हैं। वालेकुम सलाम। मेहमान से तकलीफ तो नहीं? आइए ना। चचा जान, मैंने चची से भी कहा है कि हर रोज मेरी आयादत के लिए आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। आप लोग इत्मीनान से अपने काम कीजिए। जब दिलो दिमाग यहां हो तो बेटी काम पर ध्यान कैसे दे सकता हूं? तुम्हारी चची आज जल्दी नहीं चली गई? आज उन्हें काम था अशकान के स्कूल में, पेरेंट टीचर मीटिंग थी। हाँ, मुझे बताया था। अच्छा, क्या हाल है? आज मैंने डॉक्टर को अपने बचपन की बातें बताई, वो सारी बातें जो मेरे लिए बहुत अहम हैं। अच्छा, मुझे फिर याद आया कि मैं चची जान से कितनी मोहब्बत करती हूँ, आप लोग मेरे लिए कितने अहम हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो मेरी जिंदगी हो। जब मैं छोटी थी तो मेरी क्लास के बच्चे अपने अपने वालिद के बारे में बात करते, आपने कभी मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आज भी डॉक्टर साहिबा से बात करते करते मुझे आपकी शफकत याद आई। आपने कितनी जहमत बर्दाश्त की मेरे लिए, कितनी अच्छी तरह से मुझे पाला। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं बेटी। मैं किस जबान से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? हमने अपना फर्ज अदा किया बेटी। मैं अभी आता हूं। इन चंद हफ्तों के दौरान जब आपकी भतीजी यहाँ एडमिट रही, हमने तमाम हालात का जायजा लिया। तशरीफ रखें। हकीकत यह है कि हमने उनके साथ पेश आने वाले वाकयात की असल वजह जानने की बहुत कोशिश की, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्हें हालिया कुछ वाकयात की वजह से मामूली से डिप्रेशन के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरी तरह से सेहतमंद हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि पूरी तरह सेहतमंद हैं? तो फिर ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ? कमरे की चीज़ें खुद ब खुद तो इधर से उधर नहीं होंगी। मुझे नहीं मालूम कि कमरे का सामान इधर उधर कैसे हुआ या सारे वाकया क्यों हुए, क्योंकि मैं इन चीज़ों की माहिर नहीं हूँ। दहकान साहब, मेरा काम यह है कि मैं पता लगाऊँ कि आपकी भतीजी ज़हनी मरीज़ा है या नहीं। मेरी तशख़ीस है कि वो पूरी तरह से ठीक है। हमने 24 घंटे उन पर नज़र रखी है। शायद इस दौरान वो अपने ऊपर काबू रखने में कामयाब रही हो। क्या आपके ख्याल में बेहतर नहीं है कुछ और दिन यहीं रहे? देखें दहकान साहब, ज़हनी बीमारी में अपने ऊपर काबू रखना मुमकिन नहीं होता कि जब मरीज चाहे तब उसमें मुब्तला हो जाए। हमने मुख्तलिफ हालात में उनके रद्द अमल पर गौर किया। मुझे पूरा यकीन है कि वो सेहतमंद है। अगर यहाँ से जाने के बाद उसने दूसरों को नुकसान पहुँचाया तब भी आप इतने ही यकीन से बात करेंगी? इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। दहकान साहब,
लगता है आप अपनी भतीजी के सेहतमंद होने की बात सुनकर ज्यादा खुश नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ उसके सेहतमंद होने की खबर सुनकर। ये जो सवालात पूछ रहा हूँ उसकी वजह यह है कि मैं उसके सेहतमंद होने की तरफ से मुतमईन होना चाहता हूँ। मुतमईन रहें, वो सेहतमंद है। आप जब चाहें उसे घर ले जाएं। चलें, खुदा का शुक्र है। मजेदार था नौशी जान। इससे क्या होगा, किसी और से दोस्ती हो जाएगी। इस बार नहीं समझी, लेकिन अगली बार जब इसे पता चल जाएगा कि ये सब चाचा की साजिश थी तो क्या करोगे? अगली बार आएगा ही नहीं। ये डॉक्टर जरा जिद्दी थी। मैं ऐसा डॉक्टर तलाश कर लूंगा जो उसके लिए जहनी बीमारी की सर्टिफिकेट जारी कर देगा, और तब ये सारी जायदाद और दौलत कानूनी तौर पर मेरे नाम हो जाएगी। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। हर रोज अस्पताल जाती हूँ, इसकी हालत जो देखती हूँ तो मेरा जमीर मुझे कचोके लगाता है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। महमूद, तुम भी खत्म करो। यतीम का माल नहीं खाना चाहिए, सजा मिलेगी। यतीम का माल कैसा? ये मेरा है। जब मुझे अपने भाई की विरासत मिली और मैं उसका सरपरस्त बना तो दहकान ड्राई फ्रूट 2 मीटर की एक दुकान में महदूद था। अब वो दुकान दहकान ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में बदल चुकी है। पूरी जिंदगी उस पर लगा दी, तब जाकर ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अब तुम चाहती हो कि मैं ये सब कुछ अपनी भतीजी के हवाले कर दूं कि लो बेटी, अब तुम बालिग हो चुकी हो, सब कुछ तुम्हारा हुआ। जो भी नौजवान तुम्हें दिलचस्पी ले उससे शादी कर लो और मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दो। मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी भतीजी का पूरा ख्याल रखा है, एक शहजादी की तरह उसे पाला है। अब उसका हिस्सा दे दूंगा, लेकिन अपने कानून के हिसाब से। तुम समझती हो कि नेका को इस हालत में देखकर मुझे अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन क्या करूं? क्या अपना हक ना लूं? जी आ जाइए। महमूद दहकान साहब? हाँ मैं ही हूँ। मेजर तकवी हूँ खुफिया पुलिस से। मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। क्यों? आप रिश्वत देने और माली बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किए जाते हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं? अपने घर में तुम्हारा खैर मकदम है बेटी। माफ करना, तुम्हारे चाचा की वजह से मैं इतना मसरूफ थी कि भूल ही गई कि आज तुम डिस्चार्ज होने वाली हो। कैसी बातें कर रही हैं चाची जान। इन हालात में तो मुझे आप लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन बोझ बन गई हूँ। बड़ी खुशी की बात है तुम घर आ गई हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। कहा चाचा भी घर पे होते। उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए आपने कुछ किया? बेगुनाही?
ये कैसे पता चला कि तुम्हारे चाचा बेगुनाह हैं? हाँ बताओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं चाची? फिलहाल तो सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है, अब देखो अदालत क्या फैसला सुनाती है। मैं तो बस यही कर सकती हूँ कि जो कुछ नकद वगैरह घर में है वो सब लेकर अशकान के साथ कहीं और चली जाऊं। तो क्या आपको भी यकीन है कि चाचा ने रिश्वत दी है अपने सामान के साथ शराब लाने के लिए? तुम बहुत सीधी लड़की हो, बहुत सीधी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे चाचा कैसे हैं? मुझे यकीन है कि चाचा जैसे भी हों दीन और ईमान के पाबंद हैं। उनके खिलाफ साजिश की गई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखो निका बेटी, तुम्हारा जो जी चाहे करो, जो चाहे सोचो, मैं तो अशकान को लेकर जा रही हूँ। और हाँ, मेरी एक नसीहत याद रखना, इतनी जल्दी लोगों पर यकीन ना किया करो। अलैकुम सलाम, ठीक हो? जी हाँ, आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ। कानूनी काम पूरे कर लिए मैंने, अब कंपनी मेरे नाम है। इस तरह से कंपनी में काम दोबारा शुरू हो जाएगा। तुम ये काम कर लोगी बेटी? शुक्रिया जो मुझ पर इतना एतमाद है। मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके खिलाफ जो सबूत हैं वो बड़े ठोस हैं। 7 साल की सजा कम करवाना आसान नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि मैंने रिश्वत देकर अपने सामान के साथ शराब मंगवाई है? जाहिर है कि नहीं, बस मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके खिलाफ ऐसी साजिश क्यों हुई। चाचा जाना, आप जब इन कागजात पर दस्तखत कर रहे थे तो आपकी तवज्जो कहाँ थी? मेरी तवज्जो ऐसे काम पर थी कि जब मुझे ये पता चले कि मेरे खिलाफ साजिश की गई तो कहूँ कि इसी का मुस्तहिक हूँ मैं, मुझे नाकर्दा गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाची जान की क्या खबर है, अशकान कैसा है? कुछ देर पहले मैं उनसे मिलने गई थी। उसे मेरे बेगुनाही का यकीन न करने का हक है, उसकी जगह जो भी होता यही सोचता। ऐसी बातें ना करें चाचा, आपके बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचता। बस चाची जान को थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिर वो ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे अलावा किसी को यकीन नहीं है कि मैं बेगुनाह हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप बेगुनाह हैं।